हेलो एवरीवन आज हम आपको मिड कैप कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फ़ंड्स का कंपैरिजन देंगे जो है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ वर्सेस क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दोनों ही बहुत ही अच्छे फ़ंड्स हैं सो तो अगर आप अपने लिए कोई मिड कैप कैटेगरी में फ़ंड देख रहे हैं तो यह कम्पेरिजन आपको ज़रूर देखना चाहिए और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है पहले कुछ मिड कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी जो भी 100 से 250 के बीच की कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप कैटेगरीज़ में काउंट किया जाता है ये थोड़ी सी रिस्की होती है कंपैरेटिवली लार्ज कैप बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती हैं सो so, अगर आपके रिस्क क्यापे है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको मिड कैप कैटेगरीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए मोस्टली एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमें अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप का एक्सपोजर जरूर रखना चाहिए उससे हमारा रिटर्न बुस्टअप होता है कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरा नाम अजीत सहरावत है मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ पिछले 12 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस चैनल पर हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सो अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फंड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है एक स्कीम इन्वेस्टको इंडिया की है और दूसरी क्वांट मेड कैप ए दोनों ही फंड्स की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है एयूएम यू एम इन्वेस्टको इंडिया मेड कैप फंड का 2208 करोड़ है जबकि क्वांट कैप का टू करोड़ है बेंचमार्क दोनों ही फंड्स का निफ्टी मिड कैप वन फिफ्टी है कोई एंट्री लोड दोनों ही फंड्स में नहीं है एग्जिट लोड वन परसेंट है अगर आप इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स में एक साल से पहले पैसे को विदड्रॉ करते हैं तो जबकि मिड कैप में जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है अगर आप विद इन थ्री मंथ्स अपने पैसे को विदड्रॉ करते हैं तो मिनिमम एस आई इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में फाइव है जबकि मिड कैप में वन है मिनिमम लमसम इन्वेस्को In इंडिया में थाउजेंड रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं जबकि क्वान में फाइव थाउजेंड रुपीज से आप कर सकते हैं एक्सपेंस रेशो इन्वेस्को इंडिया मेड कैप का जीरो पॉइंट टू परसेंट है जबकि क्वान का जीरो पॉइंट फाइव सेवन परसेंट है एन ए वी एज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन्वेस्को इंडिया मेड कैप की थ्री पॉइंट एट फोर है जबकि कैप की 120.14 है दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें तो इन्वेस्टको इंडिया मिड के आपने लास्ट वन ईयर में 18.48 परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज 21.64 परसेंट है लास्ट फाइव ईयर में 17.46 परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज 15.33 परसेंट है और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 19.98 परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज 17.78 परसेंट है सो so आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये फ़ंड काफ़ी स्टेबल है अगर आपने इस फंड में टेन थाउजेंड रुपीज़ एज अ लम पहले इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज एलेवन थाउजेंड होती और अगर आपने पाँच साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी फाइव रुपीज़ होती और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है अगर आपने उस समय पे टेन थाउजेंड रुपीज़ एज़ अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू फिफ्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी सेवन रुपीज़ होती अगर मिड कैप के परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट वन ईयर में करीब फोर्टी थ्री पॉइंट फोर सेवन परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स फोर है फाइव ईयर्स में ट्वेंटी पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज फिफ्टीन पॉइंट फाइव थ्री थ्री परसेंट है और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब सिक्सटीन पॉइंट वन फोर परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज सेवनटीन पॉइंट सेवन एट परसेंट है अगर आपने इस फंड में करीब एक साल पहले टेन थाउजेंड रुपीज एजा लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन रुपीज़ होती फाइव ईयर्स में 25,646 रुपीस होती और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अगर आपने इसमें 10,000 थाउजेंड रुपीज़ एज ए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो इसकी वैल्यू 39,252 रुपीस होती सो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्वांट फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बट लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी इन्वेस्को इंडिया के पास ज़्यादा है पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की इक्विटी होल्डिंग करीब 96.51 परसेंट है जबकि अदर्स में 3.49 परसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप में करीब नाइन की इन्वेस्टमेंट है मिड कैप में फोर्टी की जबकि स्मॉल कैप में 21.33 परसेंट की इन्वेस्टमेंट जबकि अदर्स में 18.3 परसेंट की इन्वेस्टमेंट है इस फंड में टोटल 48 स्टॉक्स हैं कौन मिड कैप के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इक्विटी होल्डिंग करीब 99.06 परसेंट है और अदर्स में 0.94 परसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप में 22.26 परसेंट मिड कैप में 44.32 परसेंट और स्मॉल कैप में 21.8 परसेंट जबकि अदर्स में 10.67% परसेंट की इन्वेस्टमेंट है इस फंड में 27 स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इन्वेस्ट को इंडिया मिड कैप में प्रिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में करीब 4% परसेंट की इन्वेस्टमेंट इंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में करीब 3.60% परसेंट की इन्वेस्टमेंट वोल्टास लिमिटेड में करीब 3.37 परसेंट की इन्वेस्टमेंट और अशोक लीलैंड में करीब 2.86 परसेंट की इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा है जबकि कोन कैबिनेट के आपकी टॉप टेन होल्डिंग्स की बात करें तो लिंडा इंडिया लिमिटेड में करीब 9.37 परसेंट की इन्वेस्टमेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6.16 परसेंट की इन्वेस्टमेंट कैनरा बैंक में फाइव की इन्वेस्टमेंट सन टी नेटवर्क में 5.01% की इन्वेस्टमेंट एसेट्रा है मैनेजर्स की बात करें तो इन्वेस्ट को इंडिया मिड कैप को दो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं पहले फंड मैनेजर हैं मिस्टर परनव गोखले जी जिनको करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब 18 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब 10459 करोड़ का मैनेज करते हैं दूसरे फंड मैनेजर मिस्टर नीलेश दमानस्कर जी हैं जिनको करीब चौदह साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब चौबीस स्कीम्स को मैनेज करते हैं और ए करीब थर्टी टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन करोड़ का मैनेज करते हैं दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं क्वान मिड कैय फंड के फ़ंड मैनेजर्स की बात करें तो इसको तीन फ़ंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं पहले हैं मिस्टर अंकित ए के पांडे जी जो करीब थर्टी सिक्स स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एट्टी फाइव करोड़ का मैनेज करते हैं दूसरे फ़ंड मैनेजर मिस्टर वासव सैगल जी हैं जिन जो करीब 33 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब 580 करोड़ का मैनेज करते हैं तीसरे फंड मैनेजर इस फंड के मिस्टर संजीव शर्मा जी हैं जिनको करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है और ये 34 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब 4913 करोड़ का मैनेज करते हैं सो दोनों ही फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस हैं रेशियो की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया में आपका स्टैंडर्ड ट्वेंटी 21.76 है जबकि कैटेगरी एवरेज 20.92 है स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है और यह फ़ंड अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा हाई वॉलेटाइल है बीटा इस फंड का जीरो है जबकि कैटेगरी एवरेज जीरो है बीटा भी यह बताता है कि कोई फ़ंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है किसी भी फंड का बीटा अगर एक से ज़्यादा है तो वो फंड काफ़ी रिस्की माना जाता है और इस फंड का बीटा लो वॉलेटाइल है शार्प रेशो इस फंड का 0.91 है शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न देता है और इस फंड का शार्प रेशो कैटेगरी एवरेज से अच्छा है जो कि 0.83 है अल्फ़ा इस फंड का 4.03 है जबकि कैटेगरी एवरेज 3.69 है अल्फा भी यह बताता है कि कोई फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है क्वान मिड कैप के रिस्क रेशो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 22.74 है जो कि काफ़ी हाई वोलाटाइल है बीटा इस फंड का वन है जबकि कैटेगरी एवरेज जीरो है बीटा भी काफ़ी हाई वॉलेटाइल है शार्प रेशो इस फंड का 1.09 है और अल्फा इस फंड का 8.16 है सो तो आप देख सकते हैं कि क्वान मिट कैप काफ़ी रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है और जहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा लिया जाता है वहाँ पे रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं बट रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और मार्केट जब क्रैश होती है तो चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि इस तरह के जो फंड्स हैं वो लो रिस्क रेशियो फंड की कंपैरिजन में ज्यादा डाउन जाते हैं सो so आप देख सकते हैं कि मिड कैप काफी रिस्क लेके काफी अच्छे रिटर्न दे रहा है जिन यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्वांट क्वांटमेट कैप के पिछले कुछ समय से काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं तो so आपके रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो ही आपको क्वांट क्वांटमेट कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में आपको ये बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है सो so बहुत सारे पैरामीटर्स लाइक फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस रिस्क रेशियो पास्ट रिटर्न इन सब के हिसाब से हमारा फेवरेट फंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है अपनी स्टडी खुद कीजिए अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए सो so ये था एक कंपेरिज़न इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स का मिड कैप फंड्स का लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इंफॉमेशन हम लोग लाते रहते हैं सो so प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग